हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौशमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है एलामेंडा प्लांट की फ्लावर जो खिलने लगे हैं। और एलामेंडा की बहुत सारे वैरायटियों में ये एक प्लांट है। और इस प्लांट को मैं मेरे जो हैंडमेड आर्च है उस पर चढ़ा रही हूँ। काफ़ी हद तक ये फैल गए हैं और भी फैलने वाला है। तो समर से लेके पूरे मानसून तक इसमें फ्लावरिंग होने वाले हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। हालांकि मैं इसको कटिंग से ग्रो करने की कोशिश नहीं की है, पर ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये मेरा खरीदा हुआ प्लांट है और 3 साल से लगभग मेरे गार्डन में है ये। और विंटर पे ये थोड़ी डाल सी हो जाती है, तब मैं इसको प्रूनिंग करा देती हूँ और सेफ रखती हूँ कि ये मर ना जाए। और इसकी केयर भी बहुत सिंपल है। जैसे गोबर खाद वाला मिट्टी मैं सारे प्लांट्स को देती हूँ, इस प्लांट को भी वही वेल ड्रेन सॉइल दिया हुआ है और पानी देती हूँ, लेकिन इस बात की ध्यान रखती हूँ कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए। मिट्टी गीले रहने से इसकी रूट गल सकते हैं। और समर के प्लांट है तो धूप पसंद करते हैं, धूप में अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं, तो साल भर रहने वाला ये प्लांट है। और मम्पू को आज पकड़ ही लिया, तो सुबह सुबह नहा धोकर मम्पू फूल तोड़ रही है पूजा करने के लिए। और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी एहसास है कि हर रोज़ आप आपकी गार्डन से ही फ्लावर्स लेकर आपके घर की पूजा कर सको। तो जो मैं कह रही थी कि ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो एक प्लांट है, साल भर ये आपके गार्डन में रह सकते हैं। मेरे प्लांट की उम्र लगभग 3 साल हो गए हैं, तो अच्छे से देखभाल किया जाए तो सालों साल रह सकते हैं। और ये जो बोगेनवेलिया है, इसको भी मैं वो हैंडमेड जो आर्च है उस पर चढ़ाना चाहती हूँ। तो और थोड़ी ग्रो होने देते हैं, फिर इसको भी मैं इधर से हटाने वाली हूँ। तो समर पे जो होता है मेरे गार्डन के साथ कि मेरा जो सजावट है वो बदलना पड़ता है बार बार। तो मेरा इधर के जो एसी का बॉक्स आप सब देखते हो, उसको ढकने के लिए मैं हर वक्त इधर मैं बड़े बड़े प्लांट्स सजा के रखती हूँ, लेकिन समर पे वो सारे हटाना पड़ता है क्योंकि एसी चलता है तो उसका जो गर्म हवा वो प्लांट्स के लिए भी अच्छा नहीं है और एसी में वो वापस जाता है, तो एसी के लिए भी वो ठीक नहीं है। तो मेरा गार्डन की जो सजावट है वो फिर से बिगड़ गई है। तो ये हर साल का किस्सा है। तो 2-3 महीने तो ऐसे चलने वाले हैं, तो फिलहाल ऐसा चल रहा है मेरा गार्डन। और एक बात, मेरा जो दूसरा चैनल है रियांस किंगडम, और आजकल मैं बंगाली में व्लॉग्स डाल रही हूँ उस चैनल पे, ये मेरे लिए बहुत ही एक न्यू एक्सपीरियंस है। बहुत सारे हिंदी बोलने वाले फ्रेंड्स भी उस चैनल को विज़िट किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, और कितनी मीठे मीठे कमेंट्स भेजते हो। कुछ भी समझ में नहीं आया फिर भी अच्छा लगा। तो सच पूछो तो फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सारे पढ़ती हूँ, तो थैंक्स फॉर दैट। और क्या पता कि मेरे बंगाली ब्लॉग्स देखते देखते आप भी बंगाली सीख जाओ, जैसे मैं हिंदी सीखने की कोशिश में लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।